हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। इस बार के जॉब जॉब वैकेंसी लेके आ चुका हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन पोस्ट GDS ग्रामीण डाक सेवा के पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ 2021 में, जहाँ पे 2558 वैकेंसीज निकला हुआ है पोस्टल सर्कल के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा, जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज़ के आंसर जो है मिल जाएगा। दोस्तों, इंडियन पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2021 में जो एप्लीकेशन करने वाले, यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़, केरला एंड ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी पोस्टल सर्किल है वहाँ पे निकला हुआ है 2558 वैकेंसीज ग्रामीण डाक सेवक के। यहाँ पे अगर आप बात करें तो एप्लीकेशन किस तरह से करना है आप लोगों को बताऊंगा। पोस्ट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे 7 अप्रैल 2021 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया जा रहा है कि तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा। कोई भी कैंडिडेट, जैसे आप लोग अगर आप 10th पास है तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। 10th पास के साथ साथ आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन में ही करना पड़ेगा, जिसका इंडियन पोस्ट के ऑफिशियल जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोगों को जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन दिया जा रहा है उसको अगर डाउनलोड करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। तो PDF मैं नहीं डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आ चुका है। इंडियन पोस्ट GDS के अंदर आप लोग एप्लीकेशन करने के लिए 10th पास होना ज़रूरी है, जहाँ पे 10th पास के सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नाम आपको देना होगा फॉर्म के अंदर, आपका फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट करना होगा। इसी के साथ साथ आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, डिजेबिलिटी है कि नहीं आपको देना, PWD सब कैटेगरी, 10th पास सर्टिफिकेट, ईयर ऑफ 10th पास, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, आप क्या बाईसाइकिल चला सकते हो, यहाँ पे आपको उसको देना होगा। सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपको यहाँ पे दोनों जो क्वेश्चन जो दोनों दिया गया है इसको कंफर्म टिक मानना होगा, उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। इस तरह से जो है आप ग्रामीण डाक सेवक के जो फॉर्म है आप लोग फिलअप कर सकते हो। फिलअप करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन के साथ साथ जल्द ही जो है लास्ट डेट दिया जाए 7 अप्रैल, इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर सकते हो। 2558 वैकेंसी जो है अवेलेबल है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट सेम तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। वीडियो को यहाँ पे ही खत्म करते हो। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए कमेंट के साथ साथ फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आप लोगों को हर एक चीज़ के आंसर मिल जाएगा।